हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। भगवद गीता के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा विष्णु प्रभु जी, हरे कृष्णा अद्वैताचार्य प्रभु जी। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अद्वैताचार्य प्रभु जी, हरे कृष्णा विष्णु प्रभु जी, आपकी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास A1। वेरी नाइस वेरी नाइस टू सी यू। अब आप भगवान की सेवा में लग जाइए। बिल्कुल। तो आज हम भगवद गीता का क्लास कर रहे हैं, चैप्टर 4 श्लोका नंबर 8। हाँ जी ठीक है। तो हम करने से पहले जो है वो मधु अध्याय 3 है ना? हाँ जी हाँ जी, लेसन 3 और लेसन 3 एंड सॉरी श्लोक 8। हाँ लेसन 3 श्लोक नंबर 8। तो भगवद गीता शुरू करने से पहले हम प्रार्थनाएं कर लेते हैं। ओम अज्ञान से निरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। तो हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कर्म योग, और उसमें हम चैप्टर 8 सॉरी श्लोका 8 हम डिसाइड करेंगे। तो आप सभी ने गुरु महाराज की 72nd व्यास पूजा महोत्सव देखा। हाँ जी हाँ हाँ, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे उसके लिए? हाँ बहुत बहुत बढ़िया था, आनंद आ रहा था। तो प्रभु जी का भी देखा, आपका भी देखा हमने, आपका लेक्चर भी सुना हमने। बहुत हाँ माता जी हाँ महाराज को देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि हमारी तो दीक्षा के बाद पहली ये व्यास पूजा हम देख रहे थे। और महाराज भी बहुत प्रसन्न लग रहे थे, और इस उम्र में भी मतलब इतने एक्टिव थे, और मतलब इतना इतनी देर बैठे थे, और मतलब कि वो हमें भी उन्होंने सुना मतलब कुछ शिक्षाएं दी, तो सुनाए भाई हमेशा ये 4 नियमों का पालन करते रहना, और मतलब ये अपने जप कभी मत छोड़ना, मतलब ऐसे कुछ और हाँ लाइफ टाइम इस्कॉन में आते रहना और सेवाएं करते रहना। तो अकल से विष्णु अवतार प्रभु जी भी राजरूप में आएंगे, राइट? ठीक है हाँ जी। भले थोड़ा काम कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आइए दर्शन कीजिए, इसी बहाने बैठ के वहाँ पे जब कर लीजिए, नहीं काम होगा। तो क्या है कि एक वाइब्रेशन रहेगी, आप माता जी के साथ आइएगा। ठीक है हाँ जी। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी को कुछ व्यास पूजा के लिए कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हमें ये कहना था कि ये व्यास पूजा बहुत ही विशेष था, हालांकि पैंडेमिक स्टेज था, सब लोग पंडरपुर धाम में जाके महाराज की व्यास पूजा नहीं मना सके, लेकिन हम जब महाराज की कृपा ऐसी थी कि जूम पर भी हम किसी मामले में उससे कम उत्साह नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते हैं उत्सव से उत्साह आता है, तो हमको घर बैठ के उत्साह मिल रहा था, गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन के इतना अच्छा लग रहा था कि हम सही जगह से जुड़े हैं। एक तो इस्कॉन से प्रभुपाद से सही जुड़े हैं, और उसके बाद अपने गुरु महाराज से सही जुड़े हैं। हमारे गुरु महाराज एक यूनिक व्यक्ति हैं, जो महाराज भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी कितनी क्वालिटीज हैं, उनके भक्तों के मुख से सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था। और खास करके गुरु महाराज ने जैसे उस दिन अपना हृदय खोला कि हम अब क्या करना चाहते हैं और हमारे शिष्यों से हमें क्या अपेक्षाएं हैं, तो उस दिन हमको गुरु महाराज ने हमारे बहुत जिम्मेदारियां बढ़ा दी।
और उनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इस्कॉन कभी नहीं छोड़ना है, भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना है, समय का दुरुपयोग नहीं करना है, हाँ भक्ति में कौली प्रगति करना है, काउंसलिंग करना है, मतलब हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई हमको वॉच कर रहा है कि नहीं। ये महाराज की इच्छा 4-5 साल से, लेकिन वो पूरी तरह से धीरे धीरे कहीं कहीं इम्प्लीमेंट हो गई है, बट बहुत जगह महाराज को करना है। महाराज इतने कृपालु हैं, वो हर समय यही सोचते रहते हैं कि उनके शिष्य की प्रगति हो। शिष्य तो बन गए, लेकिन खाली गुरु धारण करने से नहीं होगा, बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि सबकी प्रगति हो, और इस तरह से आके बहुत अच्छा था। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह पूजा की अपने रियलाइजेशन बताने के लिए। तो आई होप आप लोग गुरु के आज्ञाओं का पालन करें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 3 श्लोक नंबर 1। नित्यं कुरु कर्म, त्वं कर्म जायतो हि कर्मण, शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्ध मेन अकर्मण। भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो जीवन के शरीर का भी निर्वाह नहीं होता। तात्पर्य यमुना माता जी, सॉरी पावनी माता जी पढ़िए। पावनी यमुना माता जी, तात्पर्य ऐसे अनेक शून्य ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्चकुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति होते हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, न तो उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाण के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाण के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है, और ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्म द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए तथा कथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा संग्रह नाम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। तो पिछले श्लोक में आपने देखा था कि भगवान ने कहा था कि अर्जुन आप जो है अगर कर्मेंद्रियों को या इंद्रियों को तो वश में करने का दिखावा कर रहे, लेकिन मन इंद्रिय भोग में लगा तो वो मिथ्याचारी है, उसका कोई यूज नहीं। उसकी अपेक्षा वो निष्ठावान व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है जो अपने इंद्रियों को निग्रह करने की कोशिश कर रहा है और दिखावा नहीं कर रहा है ना। तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो कि तुम ये युद्ध नहीं लड़ोगे और जंगल चले जाके भिक्षा आदान करके जीवन बिताओगे, तो तुम ये बात समझ लो कि सबसे श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारा नियत कर्तव्य है। नियत कर्तव्य मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना। जैसे कोई अगर व्यक्ति ब्रह्मचारी है ना, और कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, तो अपने अपने आश्रम के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करे। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि कर्म जो नहीं करते उनकी अपेक्षा वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो कर्म करते हैं, है ना। अगर भागवत, जैसे जनरली लोग सोचते हैं कि भागवत धर्म तो शाश्वत है, सनातन धर्म तो शाश्वत है, ये ऑटोमेटिकली ही एस्टैब्लिश हो जाता है समाज, ऐसा नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए वैष्णव जन और भक्त जन को अपनी बलिदान देना पड़ता है, अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है, अपने सुखों का बलिदान देना पड़ता है, हर तरह से उनको बलिदान देना पड़ता है, सहनशील बनना पड़ता है, तब जाके भागवत धर्म दुनिया में एस्टैब्लिश हो। आप श्री प्रभुपाद की ही जीवन में देखेंगे कि भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए उनका उम्र वृंदावन में बैठकर
65 के एज था कि वो वृंदावन में बैठकर जप करते, लेकिन वो उस समय अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए विदेश गए और वहां पे उनको कोई जानता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनको सब कुछ जानते थे, उनके लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी, कुछ भी नहीं। तो उनको कितने दुखों का सामना करना पड़ा, आप शिल्प के ऊपर लीला नृत्य में पढ़ सकते है ना। इसी तरह गुरु हमारे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी बैलगाड़ी से पदयात्रा का उनकी सेवा है, कितना डिफिकल्ट सेवा है कलयुग में उसको महाराज ने इतना ग्लोरीफाई किया कि आज लोग पूरे विश्व में पदयात्रा निकालते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं कर पाओगे। भाई शरीर को खाने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो इसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा, तभी तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तभी तो हम जाएंगे, बाबा मार्केट जाएंगे, सुविधाएं से खरीदेंगे, है ना, प्रसाद बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे। तो ये सब क्या है, कर्म ये करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए वो गलत सोचते हैं, क्योंकि कर्म न करने से तो शरीर का भी निर्वाह नहीं होता। श्री प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया है कि अनेक जो छद्म ध्यानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को उच्च कुल का बताते हैं और बड़े बड़े व्यवसाय का झूठा दिखावा करते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वस्व त्याग दिया है ऐसा वो दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा है नहीं। वो मिथ्या चरण करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका धन आदि खर्च करते हैं। तो उनसे बेटर वो लोग हैं जो अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्य का निर्वाह। तो अर्जुन क्या था, वानप्रस्थ था, सन्यासी था, गृहस्थ था, क्या था अर्जुन, गृहस्थ। तो गृहस्थ था और धर्म से क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो युद्ध करे, लोगों की रक्षा करे छठ होने से। तो अर्जुन गृहस्थ था और सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस क्या था कि वो गृहस्थ धर्म की क्षत्रिय होने का कर्तव्य का पालन करे, है ना। जब तक वो युद्ध नहीं करेगा या लोगों को की रक्षा नहीं करेगा तो उसका हृदय विमल कैसे हो। कर्म करने से, अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करने से व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, है ना। तब क्या होगा, तभी हमारा जो ये भौतिक कलमश है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य, तभी दूर होंगे। खाली हम सोच रहे नहीं हमारे अंदर काम नहीं है, है ना, तो काम थोड़ी चला जाएगा। उसके लिए हमें भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, है ना, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा और काम के स्थान को छोड़ना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अनर्थ की निवृत्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं कि देह चलाने के लिए यानी खाना पीना शेल्टर देने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। तो भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को अगर मनमाने ढंग से त्याग देते हैं तो भगवान जो है यहाँ पे भर्सना कर, यहाँ बहुत दुख है हमको, फैमिली में बहुत दुख है, हम छोड़ के वृंदावन चले गए, है ना। तो भगवान यहाँ पे भर्सना कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं जो धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है भगवान से। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, उनका क्या करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमें कर्म करना चाहिए, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 9। यज्ञ अर्थात कर्मण, अन्यत्र लोक अयम पन कर्म बंधन, अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन, तत् अर्थम कर्म कौन्तेय, तत् अर्थम कर्म कौन्तेय, मुक्त संग समाचर, मुक्त संग समाचर। तो जब ये भगवान ने मानी ये श्लोक बोला तो जितने कर्मवादी सिद्धांत के लोग हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। देखो हम कहते हैं कर्म ही करना चाहिए, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अभी भगवान उन लोगों को उत्तर देते कि कर्म का मतलब क्या होता है,
जैसे लोग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है। हाँ जी, तो वो कर्म को क्या करते हैं, ऑफिस जाना, धन कमाना, व्यवसाय करना, उनका जो कर्म कर्म है यही कर्म की बात भगवान कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कई कई दुकानों पे लिखा था कर्म ही पूजा है। हाँ जी, मतलब यानी मेरी दुकानदारी कर रहा हूँ बस यही यही सब कुछ है, यही मेरा भगवान है। जब ये श्लोक वो पढ़ेंगे तो उनको बड़ा और खुशी होगी, भगवान कह रहे हैं बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में ही समझाते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए। तो बताते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। समझ गए, यज्ञात कर्मो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। ठीक है कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म जो विष्णु के लिए किया जाता है जो कृष्ण के यज्ञ के लिए किया जाता है। तो कृष्ण के यज्ञ के लिए कर्म होता है जैसे सुबह उठ के जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को भोग बनाना, घर की साफ सफाई करना, भगवान के घर की साफ सफाई करना, प्रचार करना। अब जैसे हम लोग ग्रंथ भागवत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं भक्तों के बीच में, शुद्ध भक्ति का एसोसिएशन करना, कीर्तन करना, धाम जाना, ये सब कर्म क्या है, विष्णु को अर्पित है ना, कृष्ण को अर्पित यज्ञ के रूप में कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्म को भगवान ने कहा है कि करना चाहिए। अपनी दुकान को खोल के खुद इंद्रिय तृप्ति कर रहे नहीं। अब जैसे हमारी फ्रूट्स की दुकान है तो हम फ्रूट भगवान की फोटो लगा के रखे है ना, भगवान को फ्रूट्स ऑफर करके सबको सबको फिर सेल करें, और हम ये समझे कि ये सारा कुछ भगवान का दिया गया है, उस धन को भगवान के मंदिर में भी दान करें। समझ गए, तब ना उनका जो जो कर्म है वो कर्म यज्ञ कर्म हुआ है ना। मान लो कर्म ही पूजा है सिद्धांत हम लगा दें, तो जो जो आतंकवादी हैं वो तो जस्टिफाई करेंगे कि जिहाद करना, लोग को मारना ये हमारा काम है, तो मेरा कर्म ही पूजा है। जो बूचर खाना चलाते हैं, मांसाहार करते हैं, वो तो एनिमल्स की कटिंग करना ही उनका काम है, है ना, उनका मांस बेचना ही काम है, क्या कहेंगे, मेरा कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पे समझना होगा कि आपके मनमाने ढंग से जो काम करते हैं वो कर्म पूजा नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा, लेकिन कौन सा कर्म पूजा ये भी भगवान बताया, विष्णु के यज्ञ में अर्पित जो कर्म होता है वो कर्म पूजा है। समझ में आ रहा है, आता है कुंती बुद्ध अपनी प्रसन्नता के लिए अपने कर्म करो तथा उनकी प्रसन्नता, सॉरी अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त होगे। कितना सुंदर सिद्धांत दिया, पढ़िए विष्णु अवतार प्रभु जी। तात्पर्य क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्माण के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञों वे विष्णु, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही योजन सिद्ध होता है। जैसा कि इस श्लोक में स्तुत किया गया है, कृष्ण भावना मदद यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चार वतन पुरुषेन परम विष्णु विष्णु पुराण, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं।
और कोई भी शुभकर्म करने वाले को बांध देता है। आता है कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत पीना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मश भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो देखिए यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट किया है ना कि मनुष्य को तो कर्म करना ही पड़ता है, और समाज की स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्तव्य बनाए भी गए हैं ऐसे, है ना कि लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर कर्म पूजा नहीं है। भगवान विष्णु के लिए जो कर्म हम करते हैं वो कर्म जो है वो पूजा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो शास्त्र में बताए गए कर्म है वो करना चाहिए, यानी भक्ति कर्म। और अगर हम कोई कर्म करेंगे तो वो बंधन उत्पन्न करेगा, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वो बंधन नहीं बल्कि हमको अपने स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो ये समझना होगा, और प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखते हैं, यही महान कर्म कौशल है, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। और समाज में जो आर्ट ऑफ लिविंग बताया जाता है दैट इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, कि हम कितने अच्छे ढंग से इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंद्रिय शक्ति करें, है ना, अच्छे बड़े व्यवसायी बने, ये कर्म तो कौशलम नहीं है। कर्म तो कौशलम है, हम छोटे हों बड़े हों, ज्यादा धन कमाते हो कम दम कर कमाते हो, लेकिन हम अपना जो कार्य है भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में करते हैं, तो दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जनरली लोग ये बात तो पढ़ते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन किसी वैष्णव से ज्ञान नहीं लेने के कारण, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान नहीं लेने के कारण उनको आगे की गूढ़ रहस्य नहीं पता। कर्म तो पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो कर्म आपका पूजा। इस तरह जब हम वो कार्य करते हैं तो धीरे धीरे भगवान के प्रेम भी प्राप्त करते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और मैं भगवत धाम को लेके जाए। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट श्लोक, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा अरे भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने क्या किया इसकी, लोग अगर मान लो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो सृष्टि का संचालन करने के लिए मैंने जो किया वो बता रहे भगवान कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के जो स्वामी विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संस्कृति की रचना की और कहा कि तुम इस यज्ञ में सुखी रहो क्योंकि इसे करने से तुम सुख पूर्वक रहोगे तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती। तात्पर्य अद्वैताचार्य पढ़िए। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुख अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव भक्ति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण का अपने संबंध को भुला दिया।
इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक ज्ञान हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदे सर्वे मेव वेद्या, भगवान का कथन है कि वेद का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुति में कहा गया है, अतिम विश्व में स्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद भागवत में भी 2.4.20 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। पति यज्ञ पति सज्जा पति दिया पति लोक पति धरा पति पति गतिष्ठांध विष्णु सात्वताम प्रसिद्ध में भगवान सताम पति। प्रजापति जो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के दाता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सही प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में बौद्धिक वैदिक शास्त्र में वैदिक शास्त्र ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नाम पर कीर्तन का विधान किया है और इसी दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण संगो पांगा सा कुदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वो भगवान के अनेक उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज है कि संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता 9:14 में संकेत की। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवान इसी श्लोक को बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ करना चाहिए। तो देखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ये टॉप मोस्ट अवस्था है ना, समझ रहे हैं विष्णु प्रभु जी, है ना, कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना टॉप मोस्ट अवस्था। लेकिन समाज में हर लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि कहा कि अगर तुम मेरी भक्ति नहीं कर पा रहे तो मैंने देवताओं की रचना, गणेश है, दुर्गा है, पार्वती है ना, तो जो शास्त्र में वर्णन है आप एटलीस्ट उनके साथ उनकी भक्ति करके उनके साथ सहयोग कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका जो जीवन है वो सुख पूर्वक रहेगा। और अगर आप उनकी अहित की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपकी मनोवांछित इच्छाओं को वो पूर्ति भी करते रहेंगे, है ना, और धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो मोक्ष की तरफ लगाएंगे, सिर्फ कृष्ण प्रेम की तरफ लगाएंगे, जिससे आपका जीवन जो है वो सफल हो जाए, समझ गए। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत से प्राणी होते हैं जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करते, क्रमिक विकास में रहते हैं। तो भगवान उन लोगों को भी बताते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते वो लोग क्या करें, क्योंकि भगवान ने ऐसा संरचना किया है, तो भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए अलग अलग मटेरियल जगत के लिए, है ना, तो क्या करना चाहिए, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद लेकिन हम भगवद गीता में उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने कहा कि वेदों के द्वारा भगवान को ही जाना, और भी वेदों में बताया गया कि सब भगवान ही पति है। सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम में बताया कि सब पति जो है वो भगवान ही। तो सृष्टि में पालन, सृष्टि पालन और संहार, ये सारा काम कृष्ण के द्वारा ही होता है, लेकिन अलग अलग प्रतिनिधि इसको देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा भगवान सृष्टि पालन और संहार करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो अवतार है, अवतारी है, वो है कृष्ण। बाकी सब भगवान टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अवतार लेते हैं ताकि इस जगत को ठीक से संचालित किया जा सके। तो अगर हमें सुखी रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी एटलीस्ट। ये नहीं कि हम किसी भी सो कॉल्ड जो कि शास्त्र में वर्णन नहीं है उनको उनको भक्ति करना शुरू करें। जैसे कि आप देखते हैं अभी आजकल बहुत सी ऐसे लोगों की भक्ति जिसका शास्त्र में कोई अनुमोदन ही नहीं है, तो उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शास्त्र में जैसे दुर्गा है ना, शिव जी है, पार्वती है, गणेश है, लक्ष्मी जी है, इन सबका आराधना चार करनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक है। तो इससे क्या होगा, सहयोग होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीव जो है सुख पूर्वक रहेगा। और जब वो हेतु की उन्हीं देवताओं की भक्ति करेगा तो वो देवता जो है कृष्ण भक्ति में जीव को लगा देते हैं और फिर आगे उसकी जो है वो कृष्ण प्रेम की तरफ उन्नति होनी शुरू हो जाती है। भगवत में भी कहा गया है कि इस कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग हैं है ना, वो क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन जो अल्प बुद्धि, आगे भगवद गीता में बताएंगे भगवान कि जिनकी बुद्धि अल्प होती है तो उनके क्रमिक विकास को ध्यान में रखते हुए भगवान ने देवताओं की पूजा करने की उनको अनुमति प्रदान की, एटलीस्ट वो मनुष्य बने। अभी तो लोग पशु बनते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब लोग देवी देवताओं की भी पूजा नहीं करते, अब कब्रिस्तान जाते हैं है ना, किसी पेड़ की पूजा करते हैं या किसी पहाड़ की पूजा करते हैं, लाइक दैट, किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो ये सब तमोगुणी लोग होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं। प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख पूर्वक रहने के लिए हमें देवताओं के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसी संरचना की है। तो यहाँ पे लेकिन प्रभुपाद जो है वो पूरी पिक्चर हमें देते हैं कि हम देवताओं में ना उलझ जाए बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डायरेक्ट भक्ति एक्सेप्ट करते हैं क्रमिक विस्तार नहीं करते कि पहले देवता की भक्ति करेंगे फिर वो हमें भगवान के धाम में भेजते हैं, तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये जो तीन श्लोक पढ़े ये तीनों श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट थी है ना, कि कर्म किए बिना तो रहा नहीं जा सकता, शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। और श्रेष्ठ क्या है कि हम कर्म करें, लेकिन कौन सा कर्म करें, विष्णु के लिए यज्ञ में कर्म करें। भगवान कहते हैं अगर इतने एलिवेटेड कर्म नहीं कर सकते तब तो भगवान के द्वारा बनाए गए रिप्रेजेंटेटिव जो देवता हैं एटलीस्ट उनकी भक्ति करें, उनकी उनके साथ सहयोग करें ताकि वो एलिवेशन लेवल पर आ सके, सुखपूर्वक रह सके। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, ये जो है ना तो ये कहते हैं अगर ऐसे कहते हैं यज्ञ होता है और यज्ञ में अगर हम ये हरे कृष्णा का महामंत्र करें तो मतलब कहते हैं डबल बेनिफिट होगा। हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग में हम कुछ भी नहीं करते ना, हम बहुत लंबी तपस्या कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई शुद्ध सामग्री है ना, हमारे पास शुद्ध ब्राह्मण है ना, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान जानते हैं, इसलिए अपने आप को नाम में प्रकट किया है भगवान और कहा है कि यज्ञ का कलयुग में एक ही यज्ञ है वो है संकीर्तन। तो जब हम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का हम चैंटिंग करते हैं, चार पाप से बचते हैं, 10 नाम अपराध को अवॉइड करते हैं, भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे चेतना का मार्जन होता है, हम अनर्थ निवृत्ति होती है, जीव जो है निष्ठा से प्रेम की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रंथ साहब श्रीमद् भगवत गीता हरे हरे कृष्णा। हाँ हाँ, कहते हैं कल जो है ना मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जाना, कल शनिवार है ना, वो कहते हैं यशिका का जो है ना कल कहते लर्निंग वो बनेगा लाइसेंस जो है, कल जो है ना उसकी ये लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं ना यशिका, तो वो जो कहते कल जो है ना उसकी डेट है, अगर वहां से अगर मैं ना कहते फ्री हो गया तो है तो बाजू में ही है फिर कहते हैं इस्कॉन मंदिर, तो फिर हम जो है ना फिर ना दोनों उधर ही आ जाएंगे, मतलब मैं और यशिका, यशिका की कल जो है ना कहते छुट्टी करवाएंगे और बाकी ये जो प्रिया माता जी जो है ना, अच्छा। तो हाँ तो आपके साथ आ जाएंगे ये जो। अच्छा,
अच्छा सेवा के लिए कल जो है ना सेवा के लिए कह रहे प्रिया आपके साथ चले जाएगी और मैं जो है ना यशु को लेके कल वहीं पे ही जाना है कोर्ट में। हाँ हाँ ठीक है तो फिर अगर वहाँ वहाँ से अगर हम ना जल्दी फ्री हो गए तो फिर आपके पास आ जाएंगे उधर। ठीक है ठीक है ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण।